गाइस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जस्ट वहाँ पे दिख रहा है, उसके आगे पीछे क्या है कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे? लग रहा है देखिए कश्मीर आ गए है पूरा, नहीं पूरा। और इधर देखिए, इधर भी जहाँ पे खड़े हैं बस वहीं पे दिखेगा, उससे आगे आप लोग को पूरा वाइट दिखेगा। आगे से शायद एक गाड़ी आ रहा है, लाइट दिख रहा है उसका, देखिए छोटा सा। इधर कार्टून है तो मजा आ रहा है, खराब वाला मजा। खराब वाला मजा, ठंडा है गाइस बहुत ज्यादा। देखिए आप लोग मैं जरा अभी थोड़ा सा हम लोग रुके वहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो देख सकते हैं कि अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुकु हमको लेने के लिए आए हुए थे। मीठू भाग, मीठू मीठू खाली कुछ सुबह में इतना चिल्ला रहा था, नहीं सुना था। तो अभी हम लोग सब कुछ पैक कर लिए हैं, देख सकते हैं झाड़ू जो कि लिए थे आप लोगों को दिखाए थे और सब कुछ झाड़ू। और मम्मी अभी अंदर है, तो चलिए अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और देख सकते हैं इधर मम्मी लोग, जेठी लोग सब कोई है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से, मुझे गाड़ी निकालने गए हैं गाइस। तो देख सकते हैं हम लोग सिल्ली पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कितना भीड़ है। और ये वाला रास्ता ले जाता है बुंडू के साइड, तभी हम लोग को जाना है इधर। हाँ मेरा ससुराल, और देख सकते हैं इतना कुहासा है कि दिख भी नहीं रहा है कुछ, और बहुत ठंड। और चल रहे हैं गाड़ी से तो पूरा पानी जैसे पूरा फेस में पूरा मार रहा है, पानी टिपक रहा है वैसे। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी तो बस निकले ही हैं घर से, अभी अभी और दूर जाना है। तो देख सकते कुहासा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा पहाड़ सब है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज तो मौसम इतना ऐसे कर दिया है पूरा। तो देख सकते हैं अभी हम लोग जोना पहुंच गए हैं और देख सकते हैं इधर तो और ही ज्यादा कुहासा है, इधर तो रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं जोना में, और यहाँ पे कार्टून गई है कुछ लेने के लिए दुकान पे, तो आप लोग देख सकते हैं। और गाइज क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा कुहासा हो रहा है गाइज, पूरा पानी के जैसा गिर रहा है, बूंदा बूंदा, जिसको ओस का बूंद कहा जाता है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन गिर रहा है हल्के हल्के में। चलिए धीरे धीरे जाना पड़ेगा, निकल गए हैं तो देखिए जितना रोड में हम लोग बस जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे दिख रहा है, इससे आगे पूरा वाइट वाइट दिख रहा है सब तरफ, देख सकते हैं आप चारों तरफ। अभी हम जस्ट जोड़ा पुल जो घुसता है वो रोड के बगल में है पूरा। गाइज आप लोग व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, और उधर से भाई लोग भी आए हुए, कोई कोई देखिए फोटो शूट कर रहे हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ लेकिन कैमरा में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा। और रोड गाइज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जस्ट वहाँ पे दिख रहा है, उसके आगे पीछे क्या है कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे? लग रहा है देखिए कश्मीर आ गए है पूरा, नहीं पूरा। और इधर देखिए, इधर भी जहाँ पे खड़े हैं बस वहीं पे दिखेगा, उससे आगे आप लोग को पूरा वाइट दिखेगा। आगे से शायद एक गाड़ी आ रहा है, लाइट दिख रहा है उसका, देखिए छोटा सा। इधर कार्टून है तो मजा आ रहा है, खराब वाला मजा, खराब वाला मजा, ठंडा है गाइस बहुत ज्यादा। देखिए आप लोग मैं जा रहा, अभी थोड़ा सा हम लोग रुके वहाँ पे, बहुत दूर से हम लोग गाड़ी भी चला के आए, काफी दूर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर चला के आए अभी, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। चलिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। गाइस तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट वगैरह कर लिए हैं और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, अभी आगे जाके सिंगर से भी मिलना है। तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ से, देख सकते हैं मुक्कू रेडी हो चुके हैं, चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे मानगढ़ हिपा के पास में, और देख सकते हैं पीछे से इधर इधर आ गए हमारे सिंगर जी, ब्लर दिखता है
देखिए इधर आ गए हैं, इन्हीं से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं, कुछ कुछ हम लोग का बातें होगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग। सो गाइज अभी हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं और कार्टून देख सकते हैं, ड्रेस भी चेंज कर ली है बाबू को खिला रही है। मेरा कपड़ा है, इसका तो कपड़े नहीं, मेरा कपड़ा नहीं है, इसलिए हम एक ही पहन ले कल से। और इधर देखिए आग जला रहे हैं हम लोग, अभी बहुत ज्यादा ठंड है बोल के, और यहाँ पे लावा भी निकालते जा रहे हैं हम लोग धान से। तो उसको कैसे निकाल रहे, कैसे खा रहे हैं, जल्दी दिखाते हैं आप लोगों को। जियांस को खिला रहे निकाल निकाल के ना। जियांस क्या खा रहा है तुम रे? देखिए जियांस मुरब्बा मिठाई खा रहा है, दिखा दे उधर पापा। नहीं दिखाएगा, खाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ मुक्कू पूरा धान को, मतलब कि धान नहीं है, एक खखरी है। उसमें से छोटा बहुत थोड़ा बहुत धान जो छुडल है उसी से ये सब निकल रहा है। रूसी तो बाल में रहता है, रूसी बाल में रहता है। तो बाल में चितू रहता है वो ना जी, चितू नहीं रहता है, चितू और लिखा डेंड्रफ को रूसी बोलते हैं, डेंड्रफ को चितू बोलते हैं। हाँ वही है, देख सकते हैं पूरा कैसे निकल रहा है। एक ही जगह धान रहने से दिखेगा अच्छा, अभी हम लोग आग जलाए हैं ताकि और अच्छे से निकलेगा बोल के। आग कम जल रहा है, धुआं ज्यादा आ रहा है, कर लेंगे और नीचे देंगे। इधर ही जलाइए उसको, इधर कर उधर कीजिए, इधर नहीं, इसको इधर करें। हाँ उस अभी आगे उधर ले जाइए, इधर नहीं लाना क्या है, तो ठीक है। तो घास में जलाने से मर जाएगा घास से, तो चिकन हो जाएगा, चिकन में तो उठेगा नहीं, इसको डाले की प्याज में है जलवा रही है। तो देख सकते हैं आग जलाने के बाद डाल दिए हैं हम लोग खखरी को, इसमें देखिए अब निकलेगा, देख सकते हैं पूरा अब फूटना स्टार्ट हो गया है, कहाँ निकल रहा है धान रहेगा तो। तो चलिए जितना सारा फूटा सबको निकालते हैं और खाते हैं जल्दी जल्दी से। देख सकते हैं मुक्कू पूरा निकाल रहे हैं अभी, लावा हम लोग दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। शाम हो चुका है और अभी हम लोग को चाय खाने का मन किया, तो घर से अभी शाम में निकले हैं। देख सकते हैं उतना शाम तो नहीं हुआ है, लेकिन आज कुहासा था जिसके कारण ज्यादा ही शाम लग रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं चाट खाने के लिए, गर्मा गर्म चाट। ये मौसम में चाट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए, तो इसलिए हम जा रहे हैं। चलिए साथ में आप लोगों को भी लेकर चलते हैं।